योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। राम राम भाई सारा ने टिकट में बउआ बोल रहा हूँ। लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश सब भूल गया मैं। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वाले ही है। सेल्फी के बिना नहीं चलता है। तो उसने कहा मत बताओ ये अहमदाबादी होगा। चलिए शुरू करते हैं। अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो। सुनाओ। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वाले ही है। ओहो भैया झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। अंकित है वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैलेंज भी दे दीजिए आप तो। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायरा दुनिया में ढाई सुख है। पहला सुख निरोगी खाया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माजा है और बचाओ सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी खाया तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। आपको नमन। कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखा, उसको कुछ सिखाइया। भैया रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लो बाबा पैर मत। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता। मल्हार ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। चलिए भाई आज की दुनिया का इंसान है कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कामिया जी बताइए, यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे? मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश सब बोल गया मैं। बट को नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो और क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा थक जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं
मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात सुनने में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। सर, हूँ अहमदाबाद थी छू। स्वागत छे। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या? आप लोगों को हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा चाराना दोगे तो बताऊंगा, तो उसने कहा मत बताओ ये अहमदाबादी होगा। भाई हो तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कब? ओहो बाबा, पैर नहीं छू।